लीवर की बीमारी, मोटापा और तनाव के साथ साथ शरीर की हर बीमारी का जड़ से काल है ये आयुर्वेदिक चाय। दोस्तों, आज हम आपको गुड़हल के फूलों से बनी चाय के कुछ फायदों के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। ज्यादातर लोगों को सुबह उठते ही एक कप गर्मा गर्म चाय चाहिए होती है। खासकर सर्दी के मौसम में लोगों का चाय के बिना गुजारा ही नहीं हो पाता। कुछ लोग ग्रीन टी पीते हैं तो कुछ लोग ब्लैक टी पीते हैं, कुछ लोग दूध से बनी चाय पीना पसंद करते हैं और इनके अपने अलग अलग फायदे भी होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको गुड़हल के फूलों से बनी चाय के बारे में बताएंगे। आपने गुड़हल के फूलों के फायदों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप इसकी चाय के बारे में भी जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, गुड़हल के फूलों से बनी चाय पीने में तो अच्छी लगती ही है, साथ ही ये सेहत के लिए भी खजाना है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसमें न तो दूध की जरूरत होती है और ना ही चीनी की। और अगर आप इस चाय को पीते हैं तो इससे आपके शरीर को बहुत से फायदे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस चाय से शरीर को होने वाले कुछ फायदों के बारे में। वजन कम करने में सहायक। गुड़हल के फूलों की चाय हमारे वजन को कम करने में मदद करती है। जिन लोगों का वेट बड़ा हुआ है और वो लोग अपने वेट को कम करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को ये गुड़हल के फूलों की चाय पीनी चाहिए। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म मजबूत बनता है, जिससे कि शरीर के एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद मिलती है। ये हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को निकाल देती है और हमारे वेट को कम करती है। इसलिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको गुड़हल के फूलों की चाय पीनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कम करें। दोस्तों, अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है और आप उसे कम करना चाहते हैं, तब भी आपको गुड़हल के फूलों से बनी चाय पीनी चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है और साथ ही आपको हार्ट की बीमारियों से बचाती है। और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि हार्ट में होने वाली बीमारियों का मुख्य कारण ही कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है। अगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा तब आप हार्ट की बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तनाव को दूर करें। गुड़हल के फूलों में पाए जाने वाले पोषक तत्व तनाव को दूर करके दिमाग को शांत रखने में मदद करते हैं। अगर आप ये चाय रोजाना पीते हैं तो आप इससे डिप्रेशन से भी बचे रहते हैं और आपको नींद भी अच्छी आती है। दूसरी चाय के मुकाबले गुड़हल के फूलों की चाय मस्तिष्क को सही रखती है और उसे मजबूत बनाती है। लीवर की बीमारियों को दूर रखे। गुड़हल की चाय में विटामिन, मिनरल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये लीवर को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई भी करती है। अगर आपका लीवर फैटी हो गया है तब आपको गुड़हल के फूलों की चाय जरूर पीनी चाहिए। ये आपको पेट की बीमारियों से भी बचाती है और साथ ही आपको लीवर के रोगों से भी छुटकारा दिलाती है और आपके लीवर को सही रखती है। इसलिए आपको इस चाय का सेवन जरूर करना चाहिए। त्वचा में निखार लाए। अगर आप रोजाना गुड़हल के फूलों की चाय पीते हैं तो इससे आपकी त्वचा में भी निखार आता है। दोस्तों, ये आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोक देती है और आपके चेहरे पर झाइयां नहीं आने देती। साथ ही इसके सेवन से चेहरे पर कील मुहासे निकलना भी बंद हो जाते हैं। इसलिए आपको इस चाय का सेवन जरूर करना चाहिए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको हर रोज गुड़हल के फूलों की चाय पीनी चाहिए। इसमें पाए जाने वाले तत्व तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं और आपको हार्ट की बीमारियों से बचाते हैं। तो दोस्तों, ये थे गुड़हल के फूलों के फायदे। आइए अब जानते हैं आपको ये चाय कैसे बनानी है। इस चाय को बनाने के लिए आपको गुड़हल के सूखे फूलों की पत्तियां लेनी है और उन्हें आपको 1 से 1.5 कप पानी में उबालना है। पानी को आपने अच्छी तरह से पकाना है और इसमें आपने कोई भी दूध या चीनी नहीं मिलानी है। जब पानी पक जाए तब आपको इसे बर्तन में डालकर रख लेना है। आपके गुड़हल के फूलों की चाय तैयार है। अब आप इसका गर्म
या ठंडा किसी तरह से भी सेवन कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, कितनी आसान है ये गुड़हल के फूलों की चाय बनाना। इसलिए अब आप इसका सेवन जरूर करें ताकि आप शरीर की हर बीमारी से बचे रहें और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त बने। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।